जम्मू कश्मीर पुलिस को पुंछ में मिली एक बड़ी कामयाबी। महिला समेत 6 लोगों को लिया हिरासत में। पास से मिले विस्फोटक सामग्री समेत 6 किलो 280 ग्राम हीरोइन, एक पिस्टल, 43 राउंड, 2 मैगजीन। राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से आज बॉलीवुड में निर्मित फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ जम्मू में किया गया प्रदर्शन। कहा, हमारे देवताओं का अपमान किया जा रहा, साथ ही साथ आस्था को पहुंचाई जा रही है ठेस। जम्मू के सुंजवा में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। पहले दिन सांबा के युवाओं ने आजमाया दम। श्रीनगर के त्राल सहित दक्षिण कश्मीर के कई जगहों पर आज एसआई का छापेमारी कार्रवाई भी की गई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में किया एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर को लाया आम जनता के सामने। डीजी लोहलिया की हत्या के बाद अब निजी नौकरों की वेरिफिकेशन करेगा पुलिस विभाग। सांबा में सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोर गिरोह की सदस्य बड़ी आसानी से महिला के पर्स से चुरा लिए 12,000 रूपए। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर अहमद ने जम्मू में की प्रेस वार्ता। बोले, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी को हटाना, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को वापस लाना। केंद्र की तरफ से शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की पहल अखनूर में भी देखने को मिल रही। यहां के एक आम नागरिक रविंद्र मोगोत्रा सुबह करते हैं पार्कों के अंदर सफाई। जम्मू के संभागीय खेल अधिकारी और प्रशिक्षकों को कोष दिवस की पूर्व संध्या पर भक्ति, परिश्रम और ईमानदारी के लिए किया गया सम्मानित। अमित शाह के आरोपों के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गिनाई उपलब्धियां, जारी किया 5 पेज का डोजियर। 75 साल में सबसे ज्यादा इस साल अब तक 162 करोड़ पर्यटक पहुंचे जम्मू कश्मीर। करवा चौथ के लिए सजे बाजार, इस बार 200 करोड़ से अधिक की खरीदारी होने की उम्मीद। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने क्यू की खुदकुशी, 1 महीने बाद भी नहीं मिला जवाब, एसआईटी के खुलासे का इंतजार। कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे 9 से जम्मू कश्मीर के दौरे पर, कांग्रेस नेताओं से मांगेंगे वोट। देश में 24 घंटों के अंदर करीब 2000 कोरोना के नए मामले और 9 की मौत, कोविड की एक्टिव संख्या 30,000 के पार। त्योहारी सीजन में ज्यादा होती है ई कॉमर्स में ठगी, 5 साल में 200 गुना बढ़ गई शिकायतें। वैज्ञानिकों ने साबित किया, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जैसे डिब्बा बंद खाने से बच्चे हो रहे हैं मोटे और नाटे।